हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग जय स्वामी नारायण ऑल ऑफ यू वेलकम टू क्लास फोर इन हाथ्मी ग्रीन स्कूल माय नेम इज प्राजक्ता एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर नाउ लेट्स विल स्टार्ट लेसन नंबर वन यूजेस ऑफ कंप्यूटर सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन योर टेक्स्ट बुक सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन योर टेक्स्ट बुक वी विल स्टार्ट लेसन नंबर वन यूजेस ऑफ कंप्यूटर सो नाउ लुक एट हियर टॉक टू आस्किंग दैट बॉय हाई बड़ी लॉस्ट इन थाट आर यू कौन से ख्यालों में तुम हो टे टुडे इन द डिपार्टमेंट स्टोर आई सॉ अ मैन यूजिंग अ कंप्यूटर फॉर अ कैलकुलेटिंग बिल्स वॉट इज ए आई सॉ टुडे दैट शॉप मैन यूजिंग यूजिंग कंप्यूटर फॉर अ कैलकुलेटिंग बिल्स कंप्यूटर आर वेरी मच इन डिमांड दिस डे व्हाट इज ए वॉट इज ए टू नाउ डेज कंप्यूटर आर वेरी इन डिमांडिंग कैन यू टेल मी वेअर इल्स कंप्यूटर आर यूज वॉट ही हैजकिंग टोगल हास्किंग टू बॉय सो यू टेल मी वेर वेयर कंप्यूटर इज यूजिंग व्ट इज एम एट होम इन स्कूल इन बैंक वेअर इज टोगो वो क्या बोल रहा है कि स्कूल में यूज़ किया जाता है होम में यूज़ किया जाता है बैंक में यूज़ किया जाता है वेयर इज टोगो और वो पूछ रहे हैं कि और कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है टोगो को पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर आर यूज इन वेरियस अदर फील्ड्स कम लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट द अप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर हो क्या बोल रहे कि अभी ये लेसन में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है computer have become so important for us that it is impossible to perform many tasks without them they are used in almost every area what is say nowadays computer is so important for everyone and all performs work in the वर्क इन द कंप्यूटर इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म क्या बोल रहे इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म मैनी टास्क विदाउट टेन कंप्यूटर के सिवा कोई कोई वर्क हो ही नहीं सकता तो कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑस दे आर यूज इन ऑलमोस्ट एवरी एरिया कंप्यूटर ऑलमोस्ट ऑल एरिया में यूज़ किया जाता है ये सर नो कंप्यूटर आर यूजिंग इन ऑल एरिया बिकॉज कंप्यूटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड कंप्यूटर यूजिंग इन डिफरेंट डिफरेंट एरिया सो नाउ लेट्स ऑल ऑफ यू लुक एट हियर कंप्यूटर इन अ डिफरेंट एरिया सो विच विच एरिया यूजिंग कंप्यूटर लेट अस लर्न मोर अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अ डिफरेंट एरिया तो हम पढ़ेंगे कि कौन से कौन से डिफरेंट एरिया में कहाँ कहाँ और क्या क्या यूज़ है कंप्यूटर का सो so, कहाँ यूज़ किया जाता है एट होम स्कूल ऑफिस बैंक एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन देन रिसर्च सेंटर एंड लॉट ऑफ यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन अ डिफरेंट डिफरेंट एरिया सो बिफोर स्टार्टिंग अवर दैट टॉपिक फर्स्ट आई विल शो यू वन वीडियो अबाउट दिस टॉपिक अवर So now all of you look at here. games, watch movies or listen to music on a computer. Yes, Clico. Beside these activities, we can type, store letters and paragraphs on a computer. Why do we need to store things in a computer, Clico? We store names, addresses and telephone numbers in the address book of the computer so that we do not forget them. Do you know Rani, that a computer has a built-in dictionary in it? It helps us to increase our word power. It also helps us to check our spellings and grammar. That's great, Kiko. We can also draw colourful pictures on a computer using Microsoft Paint. With a computer, calculation is so much easier we can calculate sums within a few seconds on a computer. wow. a computer can be very useful to us then. sure, ready. Clico, our teacher also told us that nowadays computers are used in many places. i only know that we have computers in our school. yes, ready. beside our school. Computers are used in many places nowadays. Can you tell me about some of the places where computers are used? As you have said, that you have seen computers being used in your school. Do you know where they are used in your school? Um, our teacher uses the computer to make learning materials and also to teach. You are right, Rennie. Besides that, Teachers also use a computer to make a timetable, prepare report cards or setting question papers. Students use computers for getting information on different topics. Computers are also used in school libraries to keep track and records of books. Yes, I have seen our librarian using a computer. Where else is computer used besides schools, Clicko? Computers are used in hotels for making bills. In shops computers are used for keeping records of stock and sale of different items. My dad told me that computers are also used in hospitals. Is it true, Clicko? Yes, Rennie. Computers are used in many ways in the hospital. Computers help in diagnosing patients' disease, making bills and keeping records of patients and medicine. It also helps doctors in the operation theatre. Computers are used in railway stations for booking tickets and getting information about arrival and departure of trains. Computers are used in airports for booking tickets, keeping records of flights and maintaining security. Computers also help aeroplanes to take off and land. In banks, computers are used to maintain the accounts and records of transactions done by customers. Have you seen an ATM Rennie? Aren't those the machines from where mom takes out money? Yes Rennie, an ATM is also a computer. ATM stands for Automatic Teller Machine. Computers are also used in offices to maintain the record of salaries, employees and accounts. Computers are used by weather departments to forecast weather. Film production companies use computers to make animation and special effects in their films. Scientists use computers for doing minute calculations in researches. Robots are also made using computers. Computers are used by book publishing and designing companies for printing and designing books, newspapers, and magazines. Computers are also used at home to do homework or to calculate monthly expenses. Last week, mom said. She purchased a mobile phone by using the computer. How is that possible, Pico? Yes, it is possible by using the internet on the computer. You can visit the site of a store and order anything from the store through the computer. The store will deliver the item at your home. It is called online shopping. I hope all of you like video and all of you nicely understood where we are using computer in the different area so now let's so we'll start our lesson so now our topic is first at home computer using in home also so in home which which uses computer are use at home computer are use at home for the following so now look at here which which uses playing game computer using in home for playing game storing address and telephone number for storing address and phone, telephone numbers writing letters for writing a letters then after listening listening to movie listening to music कीपिंग ट्रैक्स ऑफ मंथली एक्सपेंसेस लिसनिंग म्यूजिक ट्रैक कीपिंग ट्रैक्स ऑफ मंथली एक्सपेंसेज वॉचिंग मूवी एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशन सो फॉर विच विच पर्पज यूजिंग कंप्यूटर एट होम प्ले गेम गेम खेलने के लिए स्टोरिंग एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर एड्रेस और टेलीफोन नंबर को स्टोर करने के लिए राइटिंग लेटर लेटर को लिखने के लिए लिसनिंग टू म्यूजिक म्यूजिक को सुनने के लिए कीपिंग ट्रैक ऑफ मंथली एक्सपेंसेज जो हमारे मंथली एक्सपेंसेज होते हैं उसको ट्रैक करने के लिए वॉचिंग मूवी मूवी को देखने के लिए एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशन जो हमारे कैलकुलेशन होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है एट अ होम इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस होते हैं कंप्यूटर के एट अ होम देन नेक्स्ट यूजेस इन अ स्कूल कंप्यूटर यूजिंग इन अ स्कूल आल सो इन स्कूल कंप्यूटर यूजिंग इन स्कूल कंप्यूटर आर यूज इन स्कूल बाय टीचर्स कंप्यूटर कंप्यूटर आर यूज इन स्कूल बाय टीचर्स फॉर द फॉलोइंग सो नाउ लुक एट इर फॉर विच विच पर्पज यूजिंग कंप्यूटर इन द स्कूल प्रिपेयरिंग लेसन लेसन को प्रिपेयर करने के लिए टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट यूजिंग द सीडीज टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट यूजिंग द सी डी सी डी का यूज करते हैं टीचर पढ़ाने के लिए प्रिपेयरिंग रिपोर्ट कार्ड रिपोर्ट कार्ड को प्रिपेयर करने के लिए सो दिस यूजेस ऑफ टीचर नाउ स्टूडेंट ऑल्सो यूज कंप्यूटर फॉर स्टूडेंट ऑल्सो यूजिंग कंप्यूटर इन द स्कूल प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है सो दिस इज यूजेस इन द स्कूल देन टू मेकिंग अ फिल्म्स जो फिल्म होती है उसको बनाने के लिए भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है अर्लियर क्रिएटिंग एनिमेशन फिल्म यूजिंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क पहले जो एनिमेशन मूवी थी पहले क्या करते थे पेज में बनाया जाता था सिक्वेंसली और उसको क्रिएट करते थे बट नाउ डिज एनिमेशन मूवी मेकिंग इन द मेकिंग इन द कंप्यूटर इच पिक्चर इन द सिक्वेंस हैड टू बी अ ड्रॉन बाय हैंड्स ना टूडेज कंप्यूटर हैव मेड इट रियली इजी टू मेक कार्टून फिल्म एंड अदर एनिमेशन सो जो कार्टून मूवीज होती है वो कहाँ पर बनाए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर बाय यूजिंग द एनिमेशन एनिमेशन का यूज़ करके बनाया जाते एनिमेशन इज़ द टेक्निक ऑफ गिविंग एन ऑब्जेक्ट द अपीयरेंस ऑफ मोमेंट बाय रैपिडली रनिंग अ सीरीज ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट और कैरेक्टर इन द डिफरेंट पोजिशन जो एनिमेशन मूवी में क्या होता है हमें दिखता है कि क्या कर रहे हैं रन कर रहे हैं उसके बाद वो क्या कर रहे हैं चल रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं अलग अलग सीन हमें कार्टून में दिखते हैं जैसे मैंने अभी आपको जो वीडियो दिखाया था वो भी क्या है एनिमेशन किया हुआ वीडियो है तो वहाँ पे क्या किया था एनिमेशन के थ्रू वो वीडियो बनाया गया था तो एनिमेशन में क्या करते हैं एडिट करके उसमें जो वीडियो है क्या किया जाता है जो कार्टून्स होते हैं उनको वहाँ पे डाल के उनको दिखाया जाता है Picture can be easily modified nowadays on a computer to shoot the required of the films. Special effects such as sequence of the battles and an earthquake or a fire can be creating using a computer. जो फेम्स होती है उसमें क्या होते हैं बहुत सारे सीन्स दिखाया जाता है क्यू का फायर का बैटल का देन उसके बाद एक्सीडेंट uh, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं सीन्स होते हैं जो हमें मूवी में दिखाए जाते हैं तो जो ये सीन्स होते हैं वो क्या करते हैं कंप्यूटर के अंदर एडिट करके हमारे हमें दिखाया जाता है क्या करते हैं कंप्यूटर के अंदर एडिट करके हमें दिखाया जाता है द स्पेशल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी कंबाइंड विथ अ रियल सीन्स एंड कैरेक्टर वे नीडेड क्या करते हैं जो रियल वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें उसको एड करके सीन में वो हमें क्या करते हैं दिखाया जाता है फोटो में भी कुछ आते हैं इफ़ेक्ट वाले हम क्या कर सकते हैं ऐप होते हैं उसको अगर हम डाउनलोड करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं हम स्पेशल uh, इफेक्ट दे सकते हैं हमारे फोटो को तो सेम जो मूवीज़ बनते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं अलग अलग सीन को ऐड करके वो क्या करते हैं हमें दिखाते हैं कंप्यूटर के अंदर वो बनाते हैं कि ये ये वाला इफेक्ट है तो वो हमें दिख जाता है तो स्पेशल इफेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग द कंप्यूटर देन इन अ स्पेस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर यूजिंग इन स्पेस टेक्नोलॉजी ऑल्सो In a space technology computer are widely used in a space technology computer are widely used in space technology computer are used in mon monitor and control the space equipment सैटेलाइट एंड एक्सेट्रा स्पेस टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर का यूज़ जो सैटेलाइट्स होते हैं रॉकेट्स होते हैं उसको क्या करने के लिए किया जाता है कंट्रोल करने के लिए और उसने जो भी क्या होते हैं उनके जो भी जो कुछ भी पूरा वर्क होता है वो कंप्यूटर का यूज करके ही किया जाता है सैटेलाइट आर लिंक टू कंप्यूटर सैटेलाइट आर लिंक टू कंप्यूटर विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर अ स्पेस रिसर्च। सैटेलाइट किसके किसके साथ लिंक होता है कंप्यूटर के साथ लिंक होता है विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द स्पेस विचर और वो क्या करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर अ स्पेस रिसर्च सैटेलाइट आल्सो हेल्प Satellite also help predicate weather patterns. Satellite transfer information for space to computer on earth. These computer process the information and make the predications about the weather. जो हमें पता चलता है वेदर मोबाइल में सबके मोबाइल में दिखता होगा वेदर मतलब आज का वेदर क्या है क्या नहीं तो वो सैटेलाइट की यूज़ करके वेदर को दिखाया जाता है और वो सैटेलाइट क्या होता है कंप्यूटर के साथ अटैच होता है उसके वजह से हमें क्या होता है वेदर का पता चल जाता है तो वेदर का पैटर्न भी वो फॉर्म करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है स्पेस शटल्स रॉकेट विच कैन विच टेक मैन इन टू द स्पेस आर कंट्रोल बाय कंप्यूटर जो सैटेलाइट स्पेस शेटल्स होते हैं रॉकेट्स होते हैं जो हम भेजते हैं विच टेक मैन इन टू द स्पेस आर कंट्रोल बाय कंप्यूटर और वो कहाँ से कंट्रोल किया जाता है कंप्यूटर से ही कंट्रोल किया जाता है जो क्या होते हैं सैटेलाइट और रॉकेट जो छोड़े जाते हैं उसको भी देन इन ऑफिस कंप्यूटर यूजिंग इन ऑफिस ऑल्सो कंप्यूटर यूजिंग इन ऑफिस ऑल्सो सो विच विच यूज कंप्यूटर आर यूज इन ऑफिस फॉर द फॉलोइंग सो विच विच यूजिस मेंटेनिंग ऑफिस रिकॉर्ड कंप्यूटर यूजिंग इन ऑफिस मेंटेनिंग ऑफिस रिकॉर्ड जो ऑफिस का रिकॉर्ड होता है उसको मैंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन थ्रू ई मेल ईमेल ईमेल के थ्रू क्या होता है कम्युनिकेशन किया जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईमेल ई मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल द मेल सेंडिंग बाय यूजिंग अल इलेक्ट्रिकसिटी जो हम क्या करते हैं मोबाइल से मेल करते हैं देन कंप्यूटर से करते हैं लैपटॉप से मेल करते हैं तो वो क्या होते हैं हमारा मोबाइल होता है देन लैपटॉप कंप्यूटर दैट चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिसिटी वो कहाँ पे चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी पे ही चार्ज होता है तो जो हम इसको सेंड करते हैं मतलब किससे सेंड करें ई मेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या यूज करके इलेक्ट्रिकसिटी यूज करके करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल देन टाइपिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में टाइप करने के लिए प्रिंट्स करने के लिए डॉक्यूमेंट्स का यूज किया जाता है तो दिज आर द यूजेस इन द ऑफिस देन कंप्यूटर यूजिंग इन लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर आर यूज इन लाइब्रेरी फॉर द फॉलोइंग सो नाउ लुक एट हियर यूज मेंटेनिंग द डेटा बेस ऑफ ऑल द बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी लाइब्रेरी में जितने भी बुक्स होते हैं क्या होते हैं लाइब्रेरी में जितने भी बुक्स होते हैं उनका उनको मेंटेन करने के लिए मतलब कौन से पब्लिकेशन का बुक्स है कौन से क्लास का है क्या है और कौन से लैंग्वेज का है जितने भी बुक्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसके मेंटेन कहाँ पे किया जाता है कंप्यूटर में किया जाता है इन द लाइब्रेरी कीपिंग द ट्रैक ऑफ इश्यू एंड रिटर्न ऑफ द बुक्स कीपिंग द ट्रैक्स ऑफ इशू एंड रिटर्न ऑफ बुक्स किसने बुक्स रिटर्न किया है किसने इशू किया किसने बुक लिया है किसने रिटर्न दिया है तो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे होती है कंप्यूटर के अंदर होती है तो जो लाइब्रेरी के टीचर्स होते हैं उनको इजीली फाइंड हो जाता है कि जो बुक्स है वो कौन लेके गया है किसने इश्यू किया है और किसने रिटर्न किया तो ये कंप्यूटर के हेल्प से इजी हो जाता है ट्रैक करने के लिए बुक्स की इंफॉर्मेशन देन नेक्स्ट यूज इज इन अ मेडिसिन मेडिसिन में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर आर वीडली यूज इन अ फील्ड ऑफ मेडिसिन मेडिसिन के फील्ड में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है सो विच विच यूज कंप्यूटर आर यूज टू मेंटेनिंग मेडिकल रिपोर्ट्स ऑफ पेशेंट फॉर फॉर फ्यूचर रेफरेंस मेडिकल में जो क्या होते हैं मेंटेन द मेडिकल रिपोर्ट जो रिपोर्ट होती है जो पेशेंट को दिया जाता है उसका कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाता है और वो क्या होता है अगर कंप्यूटर के अंदर इजी है तो हमें क्या होता है इजीली फाइंड हो जाता है तो जो हॉस्पिटल होते हैं उनको पता चल जाता है कि हमारे यहाँ ये पेशेंट आए थे और इनकी ये डिटेल्स है तो जो पेशेंट होते हैं उनकी डिटेल्स भी रखने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है कंप्यूटराइजिंग इक्विबिलियट्स इज यूज फॉर अ परफॉर्मिंग मेडिकल टेस्ट एंड सर्जरीज इन द हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल में सर्जरी होते हैं चेकिंग होते हैं कुछ टेस्ट होते हैं उसके लिए क्या किया जाता है कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर का यूज़ करके क्या करते हैं टेस्ट करते हैं सर्जरी करते हैं कुछ कुछ ऑपरेशन भी किसमें किए जाते हैं कंप्यूटर का यूज़ करके किया जाता है कंप्यूटर असिस्ट इक्विपिलिएंट हेल्प इन मॉनिटराइजिंग द कंडीशन ऑफ द पेशेंट कंप्यूटर की जो कंडीशन है वो भी मॉनिटराइज कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर वो कंप्यूटर असिस्ट करता है कि जैसे ऑक्सीमेटर होता है तो वो क्या होता है ऑक्सीमेटर में ऑक्सीजन की लेवल कितनी है वो पता चल जाती है तो ऑक्सीमेटर का यूज़ करके पेशेंट का कितना ऑक्सीजन लेवल है देन हीमोग्लोबिन humoglo का पता चलता है हार्ट बीट का तो डॉक्टर को हेल्प होती है कि जो पेशेंट है उनकी क्या कंडीशन है तो उसके लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल में कंप्यूटराइजिंग मशीन आर यूज टू मैन्युफैक्चर मेडिसिन कंप्यूटराइजिंग मशीनस आर यूज टू मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन मेडिसिन को भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कंप्यूटराइजिंग मशीन का यूज किया जाता है सो दिस इज द यूजेस इन द मेडिसिन नेक्स्ट यूजेस इन बैंक कंप्यूटर यूज इन अ बैंक ऑल्सो सो विच यूजेज कंप्यूटर आर यूज इन बैंक फॉर द फॉलोविंग सो नाउ लुक एट हेयर विच विच यूजेस प्रोवाइडिंग अकाउंट डिटेल्स टू कस्टमर एंड इन प्रिंटिंग अकाउंट स्टेटमेंट क्या करते हैं प्रोवाइडिंग अकाउंट डिटेल्स टू कस्टमर जो कस्टमर होते जैसे हम बैंक में गए हमने क्या किया है बैंक में अकाउंट खोल दिया है मतलब हम क्या है कस्टमर हो गए तो कस्टमर की जितनी भी डिटेल्स होती है वो कहाँ पे स्टोर की जाती है कंप्यूटर के अंदर की जाती है इन प्रिंटिंग अकाउंट स्टेटमेंट हम क्या करते हैं फिर बैंक से पैसे निकालते हैं उसमें डालते हैं तो जो कुछ हमारा स्टेटमेंट होता है उसकी प्रिंट भी हमें कंप्यूटर्स के अंदर से मिल जाती है बैंक में ऑपरेटिंग ऐटोमेटिक टेलर मशीन देखो एटीएम का मतलब होता है ऐटोमेटिक टेलर मशीन ऐटोमेटिक टेलर मशीन मीन्स ए टी एम्स आर मशीन इंस्टेंट आउटसाइड द बैंक दैट इनेबल कस्टमर टू विड्रॉल मनी एट एनी टाइम ये जो मशीन होती है इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है एटीएम मनी का यूज एटीएम मशीन का यूज़ एटीएम मशीन का यूज़ पैसे निकालने के लिए किया जाता है बैंक में से पैस बैंक में हमारा जो अकाउंट होता है उसमें पैसे होते हैं तो वो पैसे निकालना है तो उसके लिए हम एटीएम मशीन का यूज़ कर सकते हो तो ये यूज है बैंक में देन इन डिज़ाइन डिज़ाइनर आल्सो यूजिंग कंप्यूटर फॉर मेक अ डिज़ाइनिंग जो डिज़ाइनर होते हैं वो भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं किसके लिए डिज़ाइन बनाने के लिए कंप्यूटर आर यूज इन अ डिज़ाइनिंग डिजाइनिंग बनाने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है आर्किटेक्ट डिज़ाइन बिल्डिंग्स एंड हाउस ऑन कंप्यूटर जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं डिजाइन बनाते हैं बिल्डिंग के हाउस के किसके अंदर कंप्यूटर के अंदर जो आर्किटेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं हमारे घर है बिल्डिंग है उसके डिज़ाइन किसके अंदर बनाते हैं पहले कंप्यूटर के अंदर बनाते इंजीनियर्स इंजीनियर्स आल्सो यूजिंग कंप्यूटर डिजाइन कार्स एरोप्लेन्स एंड एक्सेट्रा जो इंजीनियर होते वो कार्स की डिजाइन बनाने के लिए एरोप्लेन की देन बाइक की साइकिल की बहुत सारे मशीन्स होती है फ्रीज होती है वॉशिंग मशीन जितने भी मशीन हैं उनकी डिजाइन बनाने के लिए इंजीनियर कंप्यूटर का यूज करते हैं पहले किस में किया जाता है कंप्यूटर के अंदर डिजाइन बनाई जाती फिर उसको देख के फिर उसको रियली में बनाया जाता तो सबसे पहले डिजाइन किसके अंदर बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर इंजीनियर्स डिजाइन कार एरोप्लेन एक्सेट्रा ऑन द कंप्यूटर वो कहाँ पे बनाए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर बनाए जाते हैं एड्रेस डिजाइन ए ड्रेस डिजाइन डिजाइनिंग ड्रेसेस ऑन अ कंप्यूटर जो ड्रेस डिजाइनर होते हैं जो ड्रेस डिजाइनर होते हैं वो भी क्या करते हैं कंप्यूटर का यूज करके ड्रेस का डिज़ाइन कंप्यूटर के अंदर बनाते हैं ड्रेस डिजाइनर क्या करते हैं ड्रेस डिजाइनर कंप्यूटर की कंप्यूटर के हेल्प से कपड़े के डिज़ाइन कंप्यूटर के अंदर बनाते फिर उसको क्या करते हैं बनाते हैं कपड़े में तो जो डिज़ाइनर होते हैं वो भी क्या हैं? भी करते हैं डिजाइनर भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं डिजाइन बनाने के लिए देन नेक्स्ट यूज इन शॉप्स एंड होटल्स देन in computer control camera so this one we will be see in our next period so i hope all of you nicely understood today's topic thank you and have a nice day